जय सच्चिदानंद निरूबा बोलो। जो माता पिता का संतान, माता पिता का जो संतान होता है, जो संतान की माता पिता पर की जो मिल्कत है उसके पर कोई एक अकेली लड़की का ही अधिकार होता है कि लड़के का भी होता है। हमारे समाज में सब लोग ऐसे हैं कि जो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, और मेरे माता पिता की मैं अकेली ही लड़की हूँ, और हमारे समाज में सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि माता जो लड़का नहीं होता है उसकी मिलकत लेने में अर्ज होता है। तो क्या आपका जवाब क्या है? कुछ नहीं, आराम से लो, मजा करो। मेरी ऐसा नहीं है, रुपया हो, एक रुपया हो या जितनी भी मिलकत हो, मैं ऐसा मिलकत की बात नहीं करती हूँ। सब लोग ऐसा कहते हैं कि जो तुम्हारे माँ की लड़के मिलकत लोगे तो आपका लड़का जो है वो तकलीफ में आ जाएगा। ये सब गलत बात है। ये किसने ये कानून लगाया समाज में? जिनको बहन माँ बहनों को या बेटियों को कुछ देना नहीं है और खुद को ही खा जाना है, भाइयों को और मर्दों को ही खा जाना है सारा मिलकत को, तो उन्होंने ये सब कानून लगाया। ऐसा नहीं, मेरी माँ को तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ के तो मैं अकेली ही लड़की हूँ। हाँ, मेरी माँ को तो भी कुछ नहीं है। फिर आराम से लो, आप कुछ डरो मत, कुछ आपके बेटे को कुछ होने वाला नहीं। मेरे कुटुंब वाला ऐसे मेरे पति को भड़काता है, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो आपके पति को भड़क, आप समझाओ अपने पति को, कुछ नहीं होगा। तो वो अंधश्रद्धा में समझते है, थोड़ा सा बहुत अंधश्रद्धा में समझते है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ निराकरण करने के लिए। तो आप क्या जवाब देते हैं? आपको तो नहीं है अंधश्रद्धा। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं है। तो फिर आपके पति को लाने की बात थी, आपको अगर आप अकेले आई तो क्या फायदा? मेरे तो आपको आज पहली बार आई हूँ, आपकी सत्संग भी सुनती हूँ दो तीन बजे। कुछ होगा नहीं, आपके बेटे को भी नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। इसके लड़का भी ऐसा नहीं समझ, उसके कर्म में होगा वही होगा, कुछ मिलकत लेने से होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा लड़का भी 18 साल का है, वो भी ऐसा कुछ नहीं समझता है। वो तो ऐसा ही लेने में क्या अर्ज है, माता पिता का तो जो वही संतान का आप वही लेगा। आप अपनी माँ को बोलो, अपने कुटुंबी जनों को सबको बोल दो, मैं दूंगी तो मेरी बेटी को ही दूंगी, नहीं तो मैं किसी दान कर दूंगी मेरी सारी मिलकत को, लेकिन और किसी को नहीं दूंगी। देखो सब समाज वाले क्या कहते हैं। जय सच्चिदानंद। नमस्कार नीरूबेन जी, देखिए ये जो लोग है, जो संत है, ये ज्ञानवान है, वो सभी चाहते हैं कि हमको मरण जन्म से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो जिनको ज्ञान सुनाते हैं उनको भी ऐसे ही बोलते हैं कि मरण जन्म से छुटकारा पाओ। तो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों चाहते हैं ऐसे कि मरण जन्म में नहीं आवे? ऐसा है कि जिसको इतनी अवेयरनेस, जागृति आई है, हाँ जी, कि संसार में जन्म लिया है, हाँ, तो सारी जिंदगी का, हाँ, हमारे पास कंक्लूजन क्या है, हाँ, तारण क्या है, हाँ जी, कितना हमने सुख पाया और कितना दुख पाया, हाँ जी, तो देखोगे तो आप सुख तो 5% भी नहीं मिलता है, भले, लेकिन 95% तो दुख और दुखी है संसार में, कुछ सुख है ही नहीं। दो दुख के बीच के इंटरवल में ही सुख लगता है, बाकी तो सारा दुख ही दुख है। नहीं बहन जी, जिसको ये जीवन में ये कंक्लूजन आया है कि जीवन में सुख, ये जन्म और जन्म संसार में कोई सुख नहीं है, तो फिर वो तलाश करता है, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? तो सच्चे सुख की तलाश में जाते 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 फिर ऐसा मिलता है कि नहीं, आत्मा में सुख है जो शाश्वत है, और वो ऐसी चीज है कि जिसका जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, और वो मैं खुद हूँ। लेकिन देखिए, ये जो ज्ञानवान है, जिनके जो ज्ञान चलाते हैं, उनके समझो मंदिरों में लाखों लोग आते हैं, तो वो तो सुखी ही हुए ना, तो वह उनको काहे का दुख, वो भी चाहते कि हम मरण जन्म के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर में आते यानी वो सुखी हो गए, वो नहीं, वो जो ज्ञान सुनाते हैं, जो संत है, वो भी तो दुख में से आए हैं, अनुभव वही तो है उनके पास, उनके पास जो अनुभव है वही अनुभव सबको बताते हैं। आप देखिए, संसार का एक दुख है क्या? सिर्फ पत्नी का ही दुख है क्या? सिर्फ बच्चों का ही दुख है
इतना ही दुख है, कितने सारे दुख है, समाज के दुख है, अपने शरीर के दुख है, बुढ़ापे का दुख है, क्या दुख नहीं है? नहीं देखिए, मैं तो इसलिए बोलता हूँ, जैसे आपने बुढ़ापे की बात करी, तो सर्वशक्ति उसी भगवान से ऐसे प्रार्थना करे कि हमको दुख सहने की शक्ति दो, मेरे को सहन शक्ति दो, और इतनी मेरे को ताकत दो जैसे मैं सबकी सेवा कर सकूं, मैं किसी के ऊपर बोझा नहीं बनूं, फिर तो जन्म लेने से क्या हर्ज है। लेकिन भगवान थोड़ी देता है आप जो मांगे सो। हाँ हम हमारे अंदर में है ना, अभी देखिए। हाँ तो हाँ। हम तो बहुत सारा मांगते हैं भगवान के पास, लेकिन थोड़ी सब मिलता है हर को। जो आप तो बोलते हैं जो मिले वो न्याय, जो बनाया ये न्याय, आपके तो कर्म अपने अपने कर्म के हिसाब से अपने को मिलता है, कोई अपने को देता नहीं है और कोई अपना ले लेता नहीं है। नहीं तो कौन चाहेगा कि अब अपने को बुढ़ापा आया, कि अपने को मरण मृत्यु आया, या अपने घर में अपनी पत्नी मर जाए या पति मर जाए, ऐसा कौन चाहेगा? हर कोई भगवान से तो यही प्रार्थना करेगा ना कि सब किसी को मरने मत दो, लेकिन तो मरते तो है, भगवान थोड़ी प्रार्थना हर एक की सुनता है। नहीं लेकिन अगर समझो थोड़ा थोड़ा सुख मिला है, ज़्यादा सुख नहीं मिला है, तो अगर उसमें राजी रहे, खुश होए, खुश खुशहाल होए, तो फिर काय का दुख है संसार में? जिसको ये लगता है कि थोड़े से सुख में मैं खुश खुशहाल हूँ, तो फिर वो मत मांगो। हाँ बार बार जन्म मांगो। हाँ। लेकिन जिसको थोड़ा भी सुख है उसकी उसको कीमत नहीं, उसको तो लगता है कि दुख हमारे जीवन में हो क्यों, हो इतना भी दुख क्यों हो। मैं तो सोचता हूँ कि भगवान को यही प्रार्थना करना चाहिए, हमको जब जन्म दो तो हमारी हेल्थ यानी कायम रखो, किसी के ऊपर बोझा नहीं पड़े, बने इतने की सेवा करें। ऐसा है भैया। हाँ जी आप भगवान से कुछ भी प्रार्थना करो, लेकिन हाँ। उसके पीछे कर्म का सिद्धांत तो भी है। आप औरों को दुख दो, सबको है परेशान करो और प्रार्थना करो कि मुझे सुख ही दो, ताकत दो, अच्छी ताकत दो, सबको, उसमें कहाँ से मिलेगा? आपके कर्म, आपने जो कर्म बांधे औरों को दुख देने का पाप कर्म, उसका फल भी तो आपको मिलेगा साथ साथ में। बहन जी अगर मैं सुखी होऊंगा तो क्यों किसी को दुख देऊंगा? ऐसा थोड़ी है, सुखी आदमी किसी को दुख नहीं तो, देता है वो उसको, तो उसकी उसकी अज्ञानता से वह दुख देता है। वो तो अज्ञान हो गया ना, जो सुखी आदमी होता है वो क्यों किसी को दुख देगा? अज्ञानता से दुख देता है, अज्ञानता सुखी हो के दुखी हो। नहीं नहीं उन अज्ञानियों की बात नहीं करता हूँ, जो हर बात में खुश है तो वो तो जरूर उसको कुछ तो ज्ञान होगा ना। अज्ञान नहीं, अज्ञानी किसी को कहते गए कि जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहते हैं, और जिसको आत्मा का ज्ञान है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ज्ञानी हो गया, उसको तो दुख ही नहीं लगता है। हाँ, बस और उसको जन्म और वो जिसको ज्ञानी हो गया हाँ। उसको जन्म और मृत्यु के फेरे में ऑटोमेटिक फेरे से छूट ही गया। अच्छा, तो मांगे तो भी उसको नहीं मिलेगा। नहीं देखिए समझ, जैसे जैसे बड़े बड़े महात्मा है, समझो एक रविशंकर महाराज है कोई, जैसे आप है, देखिए आपने इतना ये बड़ा समझो प्रोमोट किया है, ये जितना कारोबार है, या ट्रस्टी होंगे या सब कुछ किया है, जब आप है तो ये सब किया है, अगर समझो दूसरे जन्म में भी भगवान से यही आप प्रार्थना करें कि मेरे को ऐसा ही कुछ शक्ति देवे जैसे ऐसा कुछ मैं बना सकूं, ऐसा कुछ कर सकूं, फिर क्यों आपको नहीं जन्म लेनी चाहिए? देखिए हाँ हमने इसमें से कुछ किया ही नहीं है। नहीं वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझो मैंने किया है और ना नहीं मेरी ना हम कुछ करना चाहते भी है। नहीं, नहीं, ये तो लोगों के पुण्य से होता है, लोगों का है, हमारा वो कुछ नहीं पूछता हूँ आपने किया कि नहीं किया। मैं बोलता हूँ आपने किया, भले 1% किया, समझो ट्रस्टी 50 होंगे आप, उसमें 2% हो गई। नहीं हम ट्रस्टी भी नहीं है। हाँ भला प्रोमोटर होंगे, सेटलर होंगे ना, कुछ भी है भला। अभी अभी जो ज्ञान बताती है इतना तो गुण आप में है ना। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप अगर जन्म ले इसी तरह से एक को भी अगर आप ज्ञान दे सके तो आपका जन्म तो सकारत हो जाएगा ना। हाँ तो हम कहते ही हैं जब तक हमारे पास जन्म है, शरीर है, तब तक तो हम यही करने ही वाले हैं। हाँ। लेकिन हमारा तो यही है कि सारे संसार के लोग जन्म मरण को तो छोड़ो, लेकिन कोई भी दुनिया में दुखी ना रहे, उसको संसार का कोई दुख टच ही ना हो। अभी आप बताइए बताइए तो वो सब कब होगा? तो जब ये सब ज्ञानी होगा तभी होगा, तब तक उसके बिना नहीं होता है। वो जो जो मिले, कभी कभी दुख भी मिले,
तो उस समय उसमें भी अगर खुश होए ना, क्योंकि उसको टच ना होए तो कोई हर्ज नहीं। हाँ वही तो, वो मैं बोलता हूँ दुख सहने की शक्ति देवे भगवान, शक्ति देवे और जितना भी सुख देवे उसमें संतोष रखे, तो फिर क्यों नहीं बार बार जन्म लेवे। समझो किसी की सेवा करते हैं, मैं अपने बेटे को पढ़ाया, मेरे समझो मेरे पीछे जो दूसरे लड़के हैं उनको पढ़ाया, इतना कुछ किया, भले थोड़ा के बहुत अपनी शक्तियाँ, तो क्यों नहीं जन्म ले। वो आपने किसी बच्चों पर उपकार नहीं किया, नहीं, 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 नहीं। उपकार जो, तो मैं, जो किया आपने नहीं, नहीं, अपने मोह से किया है। नहीं मोह से नहीं, समझो मोह से किया, लेकिन अभी मैं उसको ऐसा समझता हूँ कि मैंने उनको समझो उनकी सेवा करी। सेवा करने के लिए क्यों नहीं मैं आऊँ घड़ी घड़ी? बच्चों की सेवा करने के लिए घड़ी घड़ी मत आओ, औरों के बच्चों की सेवा करने के लिए आओ घड़ी घड़ी। हाँ हाँ मैं बता दूँ, मैं जब ऐसा माइंड हो जाएगा ना कि मैं बच्चों की सेवा करूं, औरों के बच्चे को, सुनिए सुनिए, तो फिर धीरे धीरे करके औरों के बच्चे तक भी पहुंच जाऊंगा ना। नहीं, मेरी बात नहीं। अरे अपने बच्चे में इतना सीमित हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि फिर आगे के बच्चों का दिखता ही नहीं। हाँ, ये जन्म में नहीं दिखा तो अभी अगले जन्म में कहाँ से दिखेगा? निर्वेन वो अज्ञानी है, जो ज्ञानवान होता है दूसरे के बच्चे के रोने की आवाज सुनता है तो दरवाजा खोल के देखता है कौन किसका बच्चा रो रहा है। ज्ञान वाला ऐसा करता है, जो अज्ञानी होता है। ज्ञान वाले की तो बात ही मत करो, उसका तो ये सबसे पर हो गया है उसके। हाँ, उसके तो लिए भगवान तो से वही मांगना चाहिए ना, मेरे को इतना ज्ञान दो, इतनी सहन शक्ति दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो, मांगो बस हो गया। हाँ, सहन शक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा ना, ज्ञान से सब आ जाता है बाय प्रोडक्शन। समझो वही ज्ञान की बात, जैसे मैंने बोला किसी दूसरे का लड़का रोता होगा तो देखेगा किसका, नहीं तो अपने बेटे को बोलेगा बेटा देखो किसका लड़का। जो सहन शक्ति बहुत आ गई ना तो फिर दूसरे का बेटा रोएगा ना तो उसको भी रोते देखने की सहन शक्ति आ जाएगी। फिर आप मदद करने को नहीं होगी, फिर वो अज्ञानता आ गई। हाँ ज्ञान 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 आवे, ज्ञान शुद्ध बुद्धि आवे, बुद्धि शुद्ध आवे, बस ज्ञान आवे तो ही काम चलेगा। अभी इसी हालत में जन्म लेना चाहिए कि नहीं? जन्म तो आएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ बस वही है, आपको फुकट में फोकट में मिलता है जन्म, उसके लिए कुछ खर्चा बर्चा पेमेंट कुछ करना पड़ता तो नहीं। मुक्ति, मैं तो मुक्ति नहीं मांगू ना। हम आपको ऐसा कहाँ से कहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे मत मांगो। नहीं मौत नहीं, आपकी अपनी चॉइस है, अलग नहीं, है। नहीं मौत नहीं, जन्म मरण से मुक्ति भले। हाँ मुक्ति मुक्ति ही। हाँ नहीं मांगू ना, आप मांगो या ना मांगो वो आपने डिसाइड करना चाहिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि मत मांगो। हम तो कहेंगे सभी मांगो, जो जीवन है वो औरों के लिए हम वापरे, और बाकी हमारा आत्मा तो मोक्ष में ही जाने वाला है, वो थोड़ी संसार में भटकने वाला है। बरोबर, मैं तो सोचता हूँ खाली कर्म करते जाइए, फिर भले सत्संग में कम जाए। कहाँ ऐसा सिर्फ बोलते हैं हम, ऐसा कौन सा कर्म करते हैं? नहीं मैं जो अपने कोई करने कोई करने गया वया नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं, नारे ही लगाते हैं, बाकी करता करता कुछ अगर नहीं। अगर रियल नारा है उसका फिर तो ठीक है ना, रियल नारायण है। आप करने जाओ औरों के बच्चों की सेवा करने जाओ, अनाथ आश्रम में जाओ, अंधाश्रम में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ गए नहीं घर में बैठ के सिर्फ नारे लगाए क्या पाएगा? फिर तो जन्म ले तो सकार तो हो जाएगा ना। अभी ये जन्म में नहीं हुआ तो अगले में क्या होगा? जब शक्ति होगी तो ये जन्म में भी होगा ना। हाँ तो करो पहले ये जन्म की बात करो। अच्छा धन्यवाद, यू आर वेलकम। प्रणाम। हाँ बोलो माँ। यहाँ पे इस दुनिया में कई लोग कहते हैं कि हमने जन्म लिया है कर्म करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि हमें मोक्ष पाना है इसलिए हमें जन्म मिला है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वाकई व्हाई डू वी हैव टेकन बर्थ, हमने जन्म क्यों लिया है? हमने लिया नहीं है, जन्म आ गया, अपनी मर्जी से थोड़ी कोई लेता है। मर्जी से लेना है तो क्वीन एलिजाबेथ के वहाँ ही नहीं लेते थे। तो लेकिन अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, जो तीसरी बात बताई ना कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन में पुरुषार्थ करो, ताकि दोबारा जन्म और मृत्यु का चक्कर ना मिले। सुख और दुख से परे रहना चाहिए। सुख दुख तो आने वाले हैं, आप आत्मा में आ जाओ तो ये कुछ आपको टच नहीं होगा, यानी पर हो जाने की बात है। Okay, तो अगर हमें अपने आप को आत्मा स्वरूप महसूस करने लगे तो उस समय सत्संग में शामिल होना क्यों जरूरी है?
तो क्या कुसंग में आपको मिलेगा, बाहर में मिलेगा आत्मा का? नहीं तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में ना क्या वीर, फिर तो कर्म कर सकते ना अगर आप अपने आप को कर्म करो। ये थोड़ी सत्संग थोड़ी 24 घंटे करने का है, ये तो कुछ हफ्ते में एक बार दो बार जब रहा तब होता है, वो भी 2 घंटे 1-3 घंटे और थोड़ी होता है। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीरुमा अगर संसद में आते हैं, अगर संसद में आते हैं तो झूठ बोल के आते हैं तो पाप कर्म बन जाता है? नहीं, पाप कर्म सत्संग के लिए पाप कर्म नहीं, वो भी आत्मा के लिए पाप कर्म है, कोई कर्म नहीं बनता जाता। मैं आज भी झूठ बोल के आई हूँ और बार बार झूठ बोल के आती हूँ तो पाप कर्म नहीं बनाते? पाप कर्म नहीं बनाता है, लेकिन झूठ क्यों बोलना पड़ता है? वो पति कैसे बोलते हैं, बोले कि अपने संसद में क्यों जाने का, बोले पैसे तो कितने मेहनत से कमाते हैं फिर मंदिर में ले जाके डाल देने की? यहाँ डालने की नहीं बात है बोलना, बोले वो अपने भाड़ा से नहीं खर्च करके आते हैं इसके लिए। तो बोलना मैं और कोई मोक्ष के लिए पैसे नहीं खर्च करूँगी, साड़ी नहीं मांगूंगी, कोई गहना नहीं मांगूंगी, लेकिन इतना तो खर्च करने दो। का नहीं करने देते हैं फिर भी क्या करने का, वो ज्ञान लिया है ना 21 तारीख को आके लेके गए, वो भी साथ में आए थे लेकिन वो बाहर बैठे रहे अंदर नहीं आए। क्या करें, पानी तो हमने डाला ज्ञान अमृत, लेकिन उन्होंने है तो मटका उल्टा रख दिया। उसके लिए क्या करूं? कुछ मत करो, जो करती है सो करे रखो। मैं पर... उसके प्रतिक्रमण करो, भाव करो, आएंगे एक दिन। अभी ऐसा खाते पीते हैं ना सब चीज, इसके लिए मैंने उनको झूठ बोल दिया, मैं ज्ञान नहीं लिया ऐसा बोली। खाते पीते हो? वो खाते हैं, मैं तो नहीं खाती। पीते भी है? हाँ। फिर मटका उल्टा ही रहेगा ना, कहाँ से उल्टा होगा। मैं आज अकेली आई हूँ ना, उनको बोली मैं एक बहन जी के साथ में जा रही हूँ ऐसा बोल के। उसको बोलना आपको पीने के लिए खाने के लिए पैसे है तो मुझे क्या जाने आने के लिए बस भाड़े के भी नहीं है कहना। ऐसा बोली थी ना तो वो क्या बोलते, बोले वो तो खाते पीते हैं पेट में जाता है, वो तो मंदिर में जाएगा तो क्या करने का? मंदिर में नहीं जाता है, ये तो मेरे अंदर अंतर शांति के लिए मिलता है। बोलते कि मेरे तो 6-7 साल शादी का हो गया, वो तो इतना कुछ नहीं हुआ, वो नीरू माँ ने तुझे क्या कर दिया तो तू उधर ही भाग के चली जाती है। आप अगर मटका सुलटा करके आओ तो आपको भी मेरे जैसा ही हो जाएगा नीरुमा के पास, बताना। और सुबह जब जल्दी उठते हैं ना चरण विधि करने के लिए, पहले तो 6-7 बजे उठते थे, अभी 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, तो बोले एक तो अच्छा हुआ जल्दी उठती है इतना बोलते हैं। चलो हौले हौले तू उनके प्रतिक्रमण कर। हाँ। हौले हौले अपने ज्ञान में रहे। हाँ। समता में रहे, उनके पति आपकी सब ये परिवर्तन देख के उनको लगेगा कि नहीं ये जो भी कुछ कर रही है अच्छा कर रही है। वो तो सब्जी लेने जाते हैं ना, उसमें से 5-5 रुपये छुपा छुपा के किसी बहन जी के पास रखती हूँ, फिर है ना इधर मंदिर में आती हूँ तो पाप लगता है? पाप नहीं लगता है, भगवान के पास आत्मा के लिए आने में कोई पाप नहीं है। नहीं लगता ना? संसार की चीजों में अगर झूठ बोली कुछ करी तो पाप लगता है। हाँ। लेकिन आत्मा के लिए करी, मोक्ष के लिए करी तो नहीं लगता है। जब तक नहीं आने देते ऐसा करती रहूं तो चलेगा? प्रतिक्रमण तो करना और प्रार्थना करना कि ऐसा भी मुझे न करना मिले। वो तो जब करती हूँ ऐसा तो मेरे अंदर ऐसा होता है कि अपने झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। पर क्या करे, जब भी वो तो टीवी में देखते ना कि इस दिन का संसद है तो अपने रह नहीं जाता है, फिर इधर चले आते हैं। आना, आते रहना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरिओम गुरुमा। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो अगले जन्म के कर्मों से आते हैं या इसी जन्म के कर्मों से? जो स्थूल घटनाएं होती है ना बाहर की, प्रसंग 5 इंद्रियों से हम जो अनुभव में कर अनुभव करते हैं ना, जो एक्शन में आ जाते हैं, इफेक्ट में आ जाती है, ये सारी घटना कर्मों का फल है। लेकिन भीतर में आप
अंदर जो सूक्ष्म में आपको रोता है वो पिछले जन्म का नहीं है, वो अभी आपका नया पुरुषार्थ है। जैसे कि आपको किसी ने अभी गाली दी, तो गाली आपको दी वो आपका पिछले जन्म का कर्म का फल है। गाली मेरे प्रैक्टिकल में आया ना, इट हैपन, तो वो आपके पिछले जन्म का फल आया, इट हैपन। लेकिन वो गाली आपको मिली उस समय आपके अंदर भीतर में जो रहा, आपको उतनी ही गालियाँ अंदर से देने का उसको मन हुआ, या आपका उसके लिए झगड़ना, उसको मार डालना, ऐसा ऐसा अंदर हो गया, तो फिर आप अगले जन्म के लिए ऐसे बुरे कर्म बांधते, पाप कर्म बांधते, उसके साथ मारने का, मार डालने का, ऐसा भयंकर पाप। और उसी उसकी बजाय आप अगर उस समय समता में रहो कि भी ये गाली देता है, अपने ही कर्म का फल है, अच्छा हुआ ये परोपकारी है कि हमको ये कर्म में से हमको छुड़ा रहा है, तो आपका नया कर्म बुरा नहीं बनते जाएगा। आप उस कर्म से छुटोगे और अंदर समता रहेगी, समझ में आया ना? जैसे कहते हैं कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, हाँ, यानी गाली आपको जो मिली वो आप उसमें से आप नहीं बच पाओगे, लेकिन आप नया क्या करोगे वो आपका पुरुषार्थ है, वो आप कर सकते हो। जैसे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, जैसे यहाँ के कंप्यूटर में वायरस की वजह से प्रोग्राम उड़ जाते हैं, तो क्या उपयोग ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसे कर्मों में नहीं होता है। हाँ, आप अगर ज्ञान के वायरस से आप उसका उपयोग करो तो आप भुगतने में से छूट जा सकते हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निरुआ, आपने कहा कि बच्चों से मोह निकाल लेना चाहिए, तो इतना क्या सरल है बच्चों में से मोह निकालना, या घरवाले से या घर से? इतना सरल तो नहीं है, लेकिन आप ज्ञान से जाओगे और उनको ही आत्मस्वरूप देखोगे और मोह के बजाय प्रेम स्वरूप बनोगे तो हो सकता है, लेकिन आसान नहीं है। उसके लिए आपको बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। मर्द लोगों के लिए तो कहीं कुछ आसान है, लेकिन स्त्रियों के लिए ज़रा कठिन है, उनका मोह भारी रहता है, बहुत डीप रहता है, लेकिन आप कर सकते हो। उस मोह से ही राग द्वेष होते हैं ना, ये सबसे छूट सकते हो आप।